ভিডিও রেকর্ড অন করো তুই কোন নাম থেকে তুই কোন দিকে রেকর্ড অন করলি এরকম हाय वेलकम बैक टू माय चैनल द मिस्ट्रियस राइडर। और आज का ब्लॉग का पर्पस है कि माइक अडेप्ट कर, क्योंकि अगले ब्लॉग में बोला था कि अगले ब्लॉग जब आएंगे तो माइक अडेप्टर लेके आएंगे, तो फाइनली हमारा माइक अडेप्टर तो आ चुका है। और अभी कॉल किया था भैया ने कि आ गया, तो हड़बड़ी में ग्लव्स पहनना भी भूल गया, यूं ही निकल गया। वैसे ये मेरा बाइक है, इसका जो किसी के बैठा है इसका बाइक है, देखा ये आप लोगों ने तो ब्लॉग भी हो रहा है 220 में। तो अभी चलते हैं फिलहाल, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि माइक अडैप्टर का पूरा सेटअप जो है फुल डिटेल्स में लाएंगे इस वीडियो, तो ज़रूर से देख लेना। तो चलते हैं, थोड़ा सा टाइम लगा, स्टार्ट करते हैं अभी। तो फाइनली आ चुका है विंटेज के अंदर, और ये रहा जिसके लिए इतने देर से मतलब परेशान हो रहे थे हम, और उसके साथ बोया का ये माइक। और विंटेज में अभी ये देखो गाइस, GoPro का 12 अवेलेबल हो चुका है, 360 X3 भी है, और मतलब काफ़ी जी सारे चीज़ यहाँ का बाइक का स्पेयर पार्ट भी मिलता है। तो भैया का नंबर भी हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, किसी को ज़रूरत पड़े तो जल्द से कॉल कर लेना। और ये रहा थोड़ा सा दिखाई देते हैं कलेक्शन, इस तरफ हेलमेट है, ये रहा एग्जॉस्ट का हेलमेट, ये रहा एसी, वैसे भी ये सेल नहीं करते यहाँ पे और सब कुछ, ये राइडिंग शू, राइडिंग जैकेट, यहाँ पे फॉग लाइट, और वैसे भी सब कुछ ही मिलता है गाय का, सब कुछ प्यार पार्ट हाई भी तो बोल रहा। और तो अभी के लिए इतना ही, अभी पूरा माइक सेटअप का वीडियो डिटेल्स में दे देंगे गाइस, जल्द से देख लेना। ये रहा दीप्ता क्या है हमारे साथ, तो हो चुका है अनबॉक्सिंग। और ये रहा GoPro का माइक अडेप्टर, GoPro हीरो 9 की ये भी चाहिए क्या? बैटरी সেরকম না, আমি কন্টিনিউ ভাগ ভয় পেয়েছিলাম আপনি। ये कोई बात है, उल्टा लगा अच्छा, ये पीछे 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 ना, ठीक है पीछे ना पीछे वाला, तो पहले सेटिंग में जाना पड़ेगा, उसके बाद तो जनरल कनेक्शन में मिलेगा शायद से। यहाँ पे मीडिया मोड का ऑप्शन है, कनेक्शन में मिलते हैं ना। पे मिलता है मेरे ख्याल से, वीडियो रोक कर दो। तो गाइस
फाइनली माइक का सेटअप तो हो चुका है और अभी आएगा ब्लॉग में वॉइस का मज़ा। मतलब इतने दिन जब से कर रहे थे तब तो माइक नहीं था, जिसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। मतलब दिखाया कि अगले ब्लॉग पे कैसे वॉइस आना पड़ रहा था, मतलब बाइक का स्पीड भी डाउन करना पड़ रहा था, ऊपर से जो हेलमेट का जो कांच है उसको भी ऊपर रख के, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तो सर से अब ये तो प्रॉब्लम नहीं होगा, और सेटअप भी दिखा दिया कि माइक एडेप्टर भी नहीं, वीडियो अंदर का मतलब बहुत सारा सेटिंग भी है कि सेटिंग ऑन अगर नहीं होता तो मतलब माइक भी काम नहीं करेगा, तो जिसके लिए सेटिंग का पूरा डिटेल्स भी दे दिया है। और बस इतना ही था आज का ब्लॉग, अभी चलते सीधा घर क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। अभी आए थे यहाँ पे शायद से 2 बजे और अभी टाइम हो रहा है 5 बज चुके हैं मेरे ख्याल से, तो अभी चलते हैं और देखते हैं अगले रेलवे प्रोग्राम कहाँ पे रखेंगे अगले। मतलब अभी तो राइड में जाने का मन कर रहा है, पहले 2-4 दिन मतलब इतना लेट आ रहा है ब्लॉग क्योंकि माइक तो बहुत दिन पहले बोल दिया था, कुछ ट्रांसशिपमेंट में कुछ डिले चल रहे थे जिसके वजह से मतलब माइक का एडेप्टर नहीं आ पा रहा था, जिसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था गाइस, वरना इतना दिन बाद हमारा ब्लॉग कभी नहीं आते। तो ये ब्लॉग बहुत लेट आ रहा है, मेरे ख्याल से 15 दिन बाद शायद ब्लॉग आएगा। और अभी देखेंगे जाएंगे राइड पे, तो वॉइस भी जब सही हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी फुल ब्लॉग स्टार्ट होगा। और वैसे भी दुर्गा पूजा है, मेरे ख्याल से दुर्गा पूजा के पहले ये लास्ट ब्लॉग होगा मेरा, उसके बाद जो होगा वो पूजा के बाद ही होगा। और कोशिश करेंगे कि दुर्गा पूजा का जो 4 दिन रहता है उनमें से मतलब कुछ ब्लॉग अगर कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, और कोशिश करेंगे कि ब्लॉग करने का, क्योंकि वैसे घूमने जाने का तो कोई प्लान भी नहीं है। तो दुर्गा पूजा का कुछ टॉपिक हम दे देंगे क्योंकि हमारा बंगाल का फेस्टिवल है, ये बिगेस्ट फेस्टिवल इन बंगाल, तो पता ही आप लोगों को, तो वीडियो ज़रूर चेक कर लेना। और लास्ट ब्लॉग अगर नहीं देखा है संडे स्पेशल ब्लॉग तो वो वाला ब्लॉग ज़रूर से चेक कर लेना। और विंडशील्ड जो था मेरा NS का, और ये तो दीपदा का बाइक है फ़िलहाल क्योंकि मेरा गाड़ी पे अभी मोबिल भी चेंज करना पड़ेगा और कुछ काम वगैरह भी है वो करवा लेंगे। और बस इतना ही बोलना था कि NS में जो बबल भजर लगाया था उनमें मतलब व्यू में काफ़ी अगर दिक्कत हो रहा है मेरे ख्याल से ब्लॉग में, तो वो ज़रूर से चेक कर लेना कि कैसा हो रहा है, मतलब व्यू ठीक ठाक है, अगर नहीं है तो कमेंट में बता देना, वो विंडशील्ड भी निकल देंगे। और इस माइक का जो वॉइस है वो कैसा आ रहा है ज़रूर से बता देना। और बस देखो गाइस, आए थे दोपहर में, अभी हो गया शाम, मतलब समझ रहे हो, और भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगा है, तो चलते हैं। थोड़ा सा साइड दे दीजिए भैया। और वॉइस कैसा आ रहा है ज़रूर से बता देना, क्योंकि GoPro Hero 9 का GoPro का माइक अडेप्टर भी है। और एक ज़रूरी बात यह है कि अगर आप माइक अडेप्टर के बिना और मीडिया मोड, GoPro का मीडिया मोड और माइक अडेप्टर के बिना आप किसी भी तरह से माइक सेटअप नहीं कर सकते। हमने भी बहुत सारे देसी जुगाड़ लगाए थे लेकिन कुछ काम का नहीं है, मतलब कोई भी कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो जिसके लिए हमको माइक अडेप्टर लेना पड़ा क्योंकि पहले हमको तो ब्लॉक सेटअप ही रेडी करना है। तो ब्लॉक सेटअप मतलब अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, फुल कंप्लीट तो हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी भी बैटरी, एक्स्ट्रा बैटरी, बैटरी का जो चार्जर का केस है वो, और 2-3 SD कार्ड, बहुत कुछ चाहिए अभी भी, तो जिसके लिए अभी भी फुल सेटअप तो नहीं कह सकते, लेकिन जितना भी कर लिया है इतने दिन में वो काफ़ी है, मतलब मेरे ब्लॉग के लिए तो अभी तक के लिए काफ़ी है। और 2-3 दिन के लिए ब्लॉग के लिए अभी तक मतलब पूरा सेटअप जो है वो भी तैयार नहीं हुआ। तो आज का ब्लॉग रास्ते में ही ख़त्म करेंगे, देखो रोड के बीचों बीच ये मरुभूमि कहाँ से आ गया। माइक सेटअप का भी तगड़ा हो गया है मेरे ख्याल से, क्योंकि राजदा जो है विंटेज का, उन्होंने ही
पूरा हेलमेट के अंदर जो माइक था, मतलब इतना लंबा लंबा तार था तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे फिट करे, तो भैया ने कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है। और विंटेज का जो मतलब जो बहरमपुर से देख रहे हो या फिर आसपास के एरिया से देख रहे हो, विंटेज में सब कुछ मिलता है, बाइक का स्पेयर पार्ट से लेकर सब कुछ मिलता है, राइडिंग जैकेट, नेक गार्ड, एल्बो गार्ड, हेलमेट। तो दिखा भी दिया है पहले कभी बार, आज भी दिखाई दिया आज भी। तो कुछ चाहिए तो मैं नंबर भी दे दूंगा राजदा को, तो जरूर से कॉल कर लेना गाइस। और अभी तो घर आ चुके हैं, तो मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉक पे, तब तक के लिए बाय। और बस अभी विंटर का मौसम भी आ रहा है तो फुल राइड होगा। तो चैनल को अच्छा लगा, वीडियो को अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बस इतना ही बोलना था, वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। वॉइस कैसा आ रहा है तो वो तो जरूर से बता देना, क्योंकि वॉइस के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा था मेरे। तो वॉइस कैसा आ रहा है ज़रूर कमेंट जरूर करना कि वॉइस कैसा आ रहा है अभी, क्योंकि बोया का M1 का जो माइक है वही लगाया। मोनो भी काफ़ी अच्छा है लेकिन हमने तो बोया ही प्रेफर किया। तो आज के ब्लॉग इतने में ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग के, तब तक के लिए बाय।